गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आजे आपणे धोरण 8 हिंदी विषयमां तेमनी कविता तेरी है जमीन आ काव्यने पठन अने एना भावार्थ द्वारा समझीशुं। सौथी पहेला तमे तमारा पाठ्यपुस्तकमां तेरी है जमीन काव्य काढो अने शांतिथी कवितानुं पठन करो। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमी तेरा आसमान। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका है सर, खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमी तेरा आसमान। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। बच्चे, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, ईश्वर के हाथ में सब है, तो इस ईश्वर को अपनी कृतज्ञता, ईश्वर के प्रति अपनी अपने मन में जो भाव है वो बताने के लिए ये कविता में जो भी शब्द यूज किए हैं वो हम एक एक लाइन से उसका भावार्थ जानेंगे। सबसे पहली लाइन, तेरी है जमीन तेरा आसमान। ये हम जिस धरती पर रहते हैं ये सारी जमीन और सारा आसमान ईश्वर का बनाया है। तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, यानी कि कवि कहते हैं कि तू बड़ा दयालु है, मेहरबान यानी दयालु है, और इसलिए आप हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करना। तू बख्शीश कर यानी हमारे अपराधों के लिए तू हमें क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे बख्शीश कर, यानी कि तू सबका है और हम सब तुम्हारे हैं, ईश्वर तुम हमें क्षमा करना।